उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आज ईद उल जुहा अजहा की नमाज ईदगाह में अदा की गई, जिसमें लाखों की तादाद में लोगों ने नमाज अदा की। लोगों ने देश में अमन चैन की दुआ मांगी। इस मौके पर मुरादाबाद के डीएम राकेश कुमार सिंह, एसएसपी मुरादाबाद अमित पाठक और शहर इमाम सैयद मासूम अली ने लोगों से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। और शहर इमाम सैयद मासूम अली ने सभी शहरवासियों से अपील करते हुए कहा, हमें ईद उल जुहा इस तरीके से मनानी है कि किसी भी हमारे हिंदू भाई को हमारे दीवार से कोई परेशानी ना हो और शांतिपूर्वक ईद के त्यौहार को मनाना है। नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम मोहम्मद है। अच्छा गुलाम मोहम्मद जी, आज बकरा ईद का त्यौहार मनाया गया है, किस तरह कैसे ये त्यौहार मनाया गया है? ये हमारे मुसलमानों में, तमामी हिंदुस्तान के हमारे मुसलमान भाई इस ईद उल अज़हा के त्यौहार को बहुत ही अच्छे मोहब्बत के साथ में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन हम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह की सुन्नत को यानी जो हम पर कुर्बानी वाजिब अपनी जानिब से जानवर की कुर्बानी पेश करते हैं, जो मालिक निसाब इंसान हुआ करते हैं। और बड़ा हमारा हिंदुस्तान अच्छा देश है, जो हमारे मुरादाबाद के कप्तान हैं, इन्होंने अच्छी मोहब्बत के साथ में, इनकी देखभाल में हमारे तमाम मुसलमान भाइयों ने ईद उल अज़हा के त्यौहार को मनाया। और तमाम मेरे मुसलमान भाइयों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद मैं अपनी तरफ से पेश करता हूँ। अच्छा, जनता से क्या मैसेज देना चाहेंगे? 3 दिन का त्यौहार है, कोई भी किसी तरीके की परेशानी, कोई दिक्कत नहीं? अभी तक तो हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई है। मैं यही कहता हूँ कि मोहब्बत के साथ में आपस में मिलजुल कर इस त्यौहार को मनाएं, क्योंकि अगर हम मोहब्बत से रहेंगे तो हमारा हदीस, हमारा कुरान यही कहता है कि हम आपस में मोहब्बत से पेश करें, एक दूसरे से बधाई दें, प्यार दें, क्योंकि ये हमारा देश मोहब्बत वाला देश है, प्यार वाला देश है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।